नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की मोर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईगो कमांड के पार्ट टू के बारे में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि पहले जो कमांड हमने रन करी थी उसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। जिसमें आपने पहले देखा कि सीज लैस उसका पूरा पाथ आ रहा है, इसके अलावा भी अदर्स बहुत सारे लेटर्स उसमें आ रहे हैं लिखे हुए, उसको रिमूव कैसे किया जाए। और आज हम इसमें सीखने वाले हैं ईगो ऑफ कमांड को, यानी कि ईगो कमांड को ऑन कैसे करेंगे हम, तो यही वीडियो आज इसमें होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जब आपने देखा कि हम किस तरीके से ईगो का यूज़ कर रहे थे, बेसिक जो फॉर्मेट था हमारा वो यही था कि हम यहाँ पर कोई भी कमांड हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपने देखा था कि हमने कुछ इस तरीके से लिखा और उसको रन किया। तो जैसे ही हम रन करते थे तो यहाँ पर हमारे पास रन करने के बाद ये पूरे पाथ आ जाता था कि वो हम कहाँ पर लिख रहे हैं, सी में, यूजर में, डेस्कटॉप में, ये सभी हमारे पास यहाँ पर आ जाती थी। अब इसमें यूज़ क्या आता, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि ये एक्स्ट्रा कमांड्स हमें नहीं चाहिए। मतलब ये एक्स्ट्रा जो आ रहा लिखा हुआ ये नहीं आना चाहिए, केवल यही लिखा आना चाहिए माय नेम इज नवीन। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर देखा बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं, इन सभी को कैसे रिमूव करना है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे और कुछ नया सिखाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या टाइप करना होगा, आज इससे पहले जो आपने स्टार्टिंग देखी थी वो थी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखते थे माई नेम इज नवीन और इसके नीचे आपने लिखा पॉस, सेम प्रोसेस रहेगा। अब चेंजेस क्या करने हैं, चेंजेस के लिए सबसे पहले आप इको के पहले जाइए और वहाँ पे एट द रेट लगाइए और इको से बाहर आइए और स्पेस का बटन दबाइए और यहाँ पर लिख दीजिए इको ऑफ। इसका मतलब बता देता हूँ, इको ऑफ को यहाँ पर हमने रन करने का मतलब क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा कमांड्स या पाथ आ रही है वो सभी को ऑफ कर दिया जाए। सिंपल फॉर्मेट में समझिएगा, उसी में आपको जल्दी समझ में आएगा। इको ऑफ लगाने का मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी पाथ एक्स्ट्रा कोई भी अगर टेक्स्ट आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा, अब नहीं आएगा। अब इशू यहाँ पर ये है, अगर हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से रन करें तो क्या माय नेम इज नवीन लिखा है, क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो माई एक रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड है और ना ही उसके आगे का कुछ भी, तो उसके आगे का तो पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि पहले पर ही अटक गया वो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये एक ईको नहीं है, यहाँ पर हमने इसे एक फंक्शन बना दिया, हमने इसे बताया है कि भाई आपको इसके अंदर जितना भी जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उससे पहले जो भी फाइल आती है, फाइल का पाथ आता है, वो सब रिमूव करें। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये आ गया कि माय नेम इज नवीन है क्या, फिर वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, माय इज नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो आप बताइए कि इसमें ये है क्या अगर आप इसे लिख रहे हैं तो। तो इसको समझने के लिए अब आपको यहाँ पर इससे पहले ईको लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर ईको लिखते थे जब भी कोई भी मैसेज हमें प्रिंट कराना है, कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए ईको लिखते थे। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा, ये अब हमने बेसिकली इसलिए लगाया ताकि हम एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर सकें, लेकिन अब ईको नहीं चल रहा है वहाँ पर, रिमूव करने के लिए ईको यूज़ किया है, ईको तो अब चलेगा। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो अब वो इसमें माना जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल को सेव करने के बाद जैसे ही हम इसमें कुछ लिखेंगे तो अब आप देखेंगे, इसको मैं इस तरीके से नहीं, इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, सेव करेंगे फाइल को। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो अब आपने क्या देखा इसमें, माय नेम इज नवीन लिखा हुआ आ रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आप इसे पहले में और अब में अगर डिफरेंस देखेंगे तो बाकी सभी चीज़ें हटा देंगे, कोई भी पाथ जो आ रहा था सी विंडोज सिस्टम 32 जो भी है वो सब हटा दिया है। अब यहाँ पर ईको ऑफ का कमांड का उम्मीद करूँगा आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें ईको ऑफ कमांड का हमें यूज़ करना है। मैथड ये है, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे, हर एक पार्ट में इसको स्टेप बाई स्टेप ऊपर लेते जाएंगे अपने आप को। तो उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो समझ में आया हो। अब इसमें मैं होमवर्क टाइप आपको काम बता देता हूँ, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। पैराग्राफ लिखिए,
मल्टीपल पैराग्राफ में मुझे डिटेल में चाहिए, यानी कि आपने इको ऑफ, यहाँ पर आपने इको लगा दिया, इसके बाद एक और इको में कुछ लिखी, फिर उसके नीचे लिखे, इस टाइप से पैराग्राफ बनाइए जैसे आपकी बुक्स में होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आपसे मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपने किस तरीके से इसको बनाया, और आपसे नए नए क्वेश्चन में करता रहूंगा इसमें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने पैराग्राफ बनाने के लिए इको कमांड को कैसे यूज किया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, और कुछ नया सीखते रहिए।